Hello friends, my name is Anmol Sharma and today we learn about how to save background in photo. तो देखिए आइए चलिए देखते हैं कि फोटो में कैसे बैकग्राउंड सेट. तो सबसे पहले अपन को जो फोटो बैकग्राउंड सेट करना है वो वाली फोटो निकाल दे. ठीक है, जैसे मेरे पास ये फोटो है, इस पर बैकग्राउंड सेट करना है. तो सबसे पहले मैं फोटो निकालूंगा और इसमें क्या करना है, अपन को तीन लेयर बनानी है. कंट्रोल प्लस जे जो एक बटन है उससे मतलब लेयर बनती है. कंट्रोल प्लस जे एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया, दो लेयर बन गई. अब मेरे को क्या करना है, जो बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है ये वाली लेयर ओरिजिनल लेयर है, इस लेयर को डिलीट करना है, मतलब हाइड कर देना है. हाइड किया और ये जो वाली लेयर है तो इस पर जब इसको एक बार नाम चेंज कर दे बिना दिक्कत आ जाती है. ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, इसका नेम चेंज कर दिया. अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको लेते हैं एंड इसको अगर लें, मतलब ये एक क्विक सेलेक्शन टूल है, इससे जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, जो भी मतलब एरिया आप उनको सेलेक्ट करना है. तो चलो सेलेक्ट करते हैं. तो इसकी साइज बड़ी कर देता हूं मैं. मैंने ये जो सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अपन को क्या करना है, सेलेक्ट जब कर लिया तो इसकी रिफाइन एज कर लेते हैं ना. जब अपन रिफाइन एज करेंगे तो जो भी मतलब फाइन हेयर है, मतलब बारीक बारीक जो हेयर है, उन सबको ही उसके एरिया में ले लेगा और उनको फाइन कर देगा. मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि फोटो एडिट करी हुई है या बैकग्राउंड लगाया हुआ है. तो देखते हैं कि देखो आप, ये अपन ने कर लिया हेयर का. ठीक है, और ओके कर देते हैं. ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि एक लेयर बनानी है. ये जो कैमरा लिखा हुआ है, इस कैमरे पर जो बोके करेंगे तो एक नई लेयर बनेगी, और ये जो नई लेयर बन चुकी है, अब क्या करना है अपन को, कंट्रोल से लेयर पे ओके करना है तो अपने पास ये आ जाएगा. और आप देख सकते हैं, ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया अपने पास. तो अब अपन को क्या करना है, ओके करना है. ठीक है, देन क्या करना है अपन को, ओके किया, डिस एक्सपांड मॉडिफाई में जाकर एक्सपांड करना है. ठीक है, एक्सपांड करके 30 लिया, आपके 1 हो गए. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो एक्सपांड बाय 1 लिखा होगा तो उसको 30 कर देना है. ओके किया, देन यहाँ जाके फिल कर दो आप. फिल किया, ओके कर दीजिए. अब ये फिल होगा तो थोड़ा टाइम लेगा. अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो कभी कभी ये चीज़ दिक्कत भी दे सकती है. ठीक है, तो अब अपन इसको क्या करते हैं, डिसलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, अब जो भी आपको बैकग्राउंड लगाना है, जो भी बैकग्राउंड आपको ट्राई करना है कि आप मेरे पास नहीं ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगेगा या कौन सा अच्छा लगेगा, तो आप आराम से इस बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड है जो आपके पास अच्छा लगेगा. ठीक है, मेरे पास ये वॉलपेपर्स है. ठीक है, मैं कोई भी वॉलपेपर खोलता हूँ. जैसे मेरे को एक कार वाला लगाना है तो मैंने कार वाला लिया, यहाँ आया, ठीक, इसमें डाल दिया, ऑटोमेटिक वॉलपेपर पीछे की तरफ सेट हो जाएगा. आपको कुछ भी कटने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ कर दिया है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर सेट नहीं हो रहा है. आप क्लिक भी कर सकते हैं, देखो वॉलपेपर सेट नहीं हो रहा, तो इसको आप वॉलपेपर को हटा सकते हैं. ठीक है, डिलीट वाला जो बटन होता है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो आराम से वॉलपेपर हट जाएगा. अब आपके पास अगर ये वाला वॉलपेपर, अगर आप ये भी लगाना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन सा वॉलपेपर कब सेट हो, तो ये भी सेट नहीं हो रहा, हटा सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा, चलो मान लो ये वाला वॉलपेपर है. ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ो और फोटोशॉप में ला के रख दो. ये देखते हैं, ये भी ठीक सेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले फ़ोटो एडिट करी हुई है तो उसके मुकाबले ये सही नहीं लग रहा मेरे को. ठीक है, तो मुझे जो लगाना है मैं वो लगाऊंगा, सबकी अलग अलग चॉइस होती है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए वो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे ये वाला बैकग्राउंड है तो इस पर ये लगा के देखते हैं. क्लिक किया, इसे डाला, तो ये वाला वॉलपेपर ज़्यादा बेटर एकदम सेट हो रहा है. ठीक है,
आप इसको कुछ मत करो, बस हो गया ड्यूअल क्लिक कर दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह कुछ भी सेट करनी है ना, तो आप एक काम करिएगा, इसमें जाइएगा, आपके जो भी जो न्यू अकाउंट लिया है वो इसमें ये आ जाएगा बस, ठीक है। इसमें ब्राइटनेस ओके करिएगा और ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा हल्की सी, ठीक है। और जो आपके पास जो लेयर है, जो आपकी मतलब फेस जिसे कट किया हुआ है, उसकी भी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, जो भी आपको मतलब सही लगे। तो देख सकते हैं अपन ये वाला। तो अब एक बार आप क्या करिएगा, फ़ोटो को सेव कर दीजिएगा, सेव करी फ़ोटो को, और फ़ोटो को हमेशा सेव करते हुए ध्यान रखना कि इसमें JPG फाइल्स के अंदर सेव करना, ठीक है ना। और ये मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब आप वापस उस चीज़ को सेव करी, उसको ओपन करो, मैंने सेट कर दी, ओपन करा, ये ओपन हो गई और ये पुरानी वाली, ठीक है। ये जो इसमें क्या करना, कंट्रोल प्लस R दबाना है, देन फिल्टर के अंदर जाकर अपन को कलर लो फिल्टर, कैमरा लो फिल्टर का करना है। अब आप जैसा भी एटमोसफियर चाहिए आपको, जैसे ये येलो हो गया, गोल्डन टाइप में हो गया, ये ब्लू हो गया, तो ये ब्लू वाला कर सकते हैं। ब्लू वाला इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो ज़्यादा ब्लू भी अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा गोल्डन अच्छा लग रहा है, आप हल्का सा ब्लू कर दीजिएगा, ठीक है। और ये टिंट आप देख सकते हैं, एक्सपोजर के अंदर वाइटनेस ज़्यादा आ जाती है। अगर आपकी फ़ोटो ब्लैक है कभी भी, तो एक्सपोजर चलाइए, आगे फ़ोटो वाइट हो जाएगी, ठीक है। और वाइब्रेंस भी देख लीजिएगा, ओके कर दीजिए। अब आपके पास आराम से वॉलपेपर सेट हो गया, और ना वो फोटो को सेव कर दीजिए। अगर आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में मैं भी चेक करूंगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।